हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में स्टडी किया है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया है, जिसमें बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी हमने स्टडी किया था। बस उसके चार्ट से हमें स्टडी करना रह गया था, तो आज हम उसी चार्ट को स्टडी करेंगे इस वीडियो में, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर की स्टडी करेंगे। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे, जिसमें हम मेनली जॉन हचिंगसन जो हैं उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को, एंजियोस्पर्म पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए हैं वो, उनके क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। तो ये रहा हमारा बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट बना हुआ है, जिसमें किंगडम लिया गया है प्लांटी, इज द किंगडम प्लांटी, जिसमें किंगडम प्लांटी को डिवीजन में बांटा गया है, दो डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन है इसका क्रिप्टोगैमिया, दैट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को इंक्लूड करता है, एंड सेकेंड डिवीजन जो है इसका वो है फेनरोगैमिया, इंक्लूड करता है सीड प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर फेनरोगैमिया डिवीज़न जो है, क्रिप्टोगैमिया को यहाँ नहीं दिखाया गया है, फेनरोगैमिया डिवीज़न को कुछ तीन क्लासेस में बांट दिया गया है, जैसा कि आप तीन क्लासेस देख सकते हैं यहाँ, थ्री क्लासेज हैं फेनरोगैमिया के, तीन क्लासेस ए बी सी करके दिया हुआ है। ए है डाइकोटिलेडन्स, बी जिम्नोस्पर्मेई, एंड सी इज़ द मोनोकोटिलेडन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए डाइकोटिलेडन जो क्लास है फेनरोगेमिया डिवीज़न का, उसका डिवीज़न जो है वो थ्री सब क्लास में हुआ है। क्लास डाइकोटिलेडन डिवाइड हुआ है थ्री सब क्लासेज में, जिसमें से फर्स्ट सब क्लास है पॉलीपेटली, सेकेंड सब क्लास इज़ द गैमोपेटली, एंड थर्ड क्लास इज़ द मोनो मोनोक्लेमाइडी। तो अब यहाँ से हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब क्लास पॉलीपेटली डिवीज़न, सॉरी क्लास डाइकोटिलेडन का जो पहला सब क्लास है पॉलीपेटली, हम उसमें उसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीपेटली सब क्लास पॉलीपेटली जो है उसमें, उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू थ्री सीरीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं थ्री सीरीज़ में बांटा गया है इसे। फर्स्ट सीरीज़ जो है वो लिखा गया है, सर्कल किया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके देख सकते हैं आप। फर्स्ट है सीरीज़ थैलमी फ्लोरी, सेकेंड इज़ द डीसी फ्लोरी, एंड थर्ड इज़ द कैल्सी फ्लोरी। थैलमी फ्लोरी में क्या है, थैलमी फ्लोरी की क्या कैरेक्टर्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उसको देख लेते हैं। थैलमी फ्लोरी में क्या है कि ओवरी सुपीरियर, जो ओवरी होगी इसकी थैलमी फ्लोरी में, जो भी प्लांट्स होंगे इनकी ओवरी सुपीरियर होगी, एंड इंक्लूड करता है ये सिक्स ऑर्डर्स, छः ऑर्डर इंक्लूड करता है, जो छः के छः दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर है रेनेल्स, सेकेंड इज़ द कैरियोफाइलिनी, थर्ड इज़ द पेरिटेल्स, फोर्थ ग्यूटीफिरेल्स, फिफ्थ इज़ द पॉलीगेलिनी, सिक्स इज़ द मालवेल्स। ये सिक्स ऑर्डर्स हैं थैलमी फ्लोरी सीरीज़ के। सेकंड सीरीज़ इज़ द डेसी फ्लोरी, डेसी फ्लोरी सीरीज़ में क्या है, हाइपोगाइनस, ओवरी क्या है, हाइपोगाइनस होगी थैलमस के नीचे होगी, नो, हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है, इसके अगर आप प्रीवियस वीडियो आप देखें तो उसमें जो है ओवरीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ओवरीज़ कैसी कैसी होती हैं, मतलब कि तीन ओवरीज़ के ओवरीज़ को दिखाया गया है, जिसमें हमने काफ़ी तीन ओवरीज़ के बारे में बात किया था, एक इपीगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस ओवरी के बारे में। तो हमने, हाँ, हाइपोगाइनस ओवरी क्या है, हाइपोगाइनस द ओवरी ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजीशन, सॉरी अभी हमने बोला था कि हाँ हाइपोगाइनस में बेस्ट होता है, ये गलत है। हाइपोगाइनस में क्या होता है, हाइपोगाइनस ओवरी जो होती है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे, थैलमस के टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है, प्रेजेंट होता है, न कि बेस पे।
बेस पे कौन सा होता है? तो ईपीगाइनस ओवरी जो होती है वो थैलमस के बेस पे होती है, ठीक, और पेरीगाइनस मीडियन में होती है, बीच में। तो इस तरीके से इनका जो है वो बटा हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं क्या है कि डीसी फ्लोरियम देख रहे थे, ओवरी हाइपोगाइनस है, इसकी हाइपोगाइनस एंड ए नेक्टिफेरोस डिस्क सराउंड द ओवरी बेस, और एक नेक्टिफेरोस जो डिस्क है मीन्स नेक्टर्स को रखने वाली जो डिस्क है वो ओवरी के बेस पे घिरी हुई होती है डीसी फ्लोरी में। इट इंक्लूड फोर ऑर्डर्स, चार ऑर्डर्स इंक्लूड करता है डीसी फ्लोरी सीरीज। ऑर्डर कौन कौन से हैं? तो जेरेनियल्स, सिलेस्ट्रेल्स, थर्ड ओलेकेल्स, फोर्थ इज द सेपिनडेल्स। ये चार ऑर्डर्स हो गए डीसी फ्लोरी सीरीज के। देन नेक्स्ट सीरीज, थर्ड सीरीज इज द कैल्सी फ्लोरी। कैल्सी फ्लोरी सीरीज में क्या है? तो पेरीगाइनस ओवरी कैसी होगी? पेरीगाइनस और सम टाइम ईपीगाइनस ओवरी भी हो सकती है, मतलब पेरीगाइनस या कभी कभार ईपीगाइनस भी ओवरी हो सकती है। इट इंक्लूड फाइव ऑर्डर्स एज फॉलो, ये लगभग पांच ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है कैल्सी फ्लोरी, फाइव ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है जो दिए हुए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है रोजेल्स, सेकंड इज द फिकॉइडेल्स, थर्ड मायोटेल्स, फोर्थ अम्बेलेल्स, फिफ्थ इज द पैसिफ्लोरेल्स। तो ये तीन सीरीज हो गए किसके? तो सब क्लास पॉलीपेटली के तीन सीरीज। देन सब क्लास हम गैमोपेटली की बात करते हैं, गैमोपेटली सब क्लास की बात करेंगे, ये सेकंड गैमोपेटली। गैमोपेटली सब क्लास ऑल्सो डिवाइड इन टू थ्री सीरीज, ये भी तीन सीरीज में डिवाइड हुआ होता है। कौन कौन से सीरीज हैं देख लेते हैं इनके सीरीज़ का नाम। फर्स्ट सीरीज़ है इन्फेरेई, सेकंड सीरीज़ है हेट्रोमेरेई, एंड थर्ड इज़ द बाइकार्पेलेट। तो सबसे पहले इन्फेरेई सब सीरीज़ की बात करते हैं। इन्फेरेई सीरीज ओवरी इन्फीरियर है, ठीक है, एंड इंक्लूड्स थ्री ऑर्डर एज फॉलो। फर्स्ट ऑर्डर रूबियल्स, सेकेंड कॉम्पेनल्स, थर्ड इज़ द एस्टरेल्स। देन सेकेंड सीरीज जो है वो है हेट्रोमेरेई, उसमें हाइपोगाइनस ओवरी है, स्टेमेंस दो दो होंगे और मेनी भी हो सकते हैं एज कोरोला, मीन्स कोरोला की संख्या के अनुसार भी। कोरोला मीन्स क्या? जो पेटल्स होते हैं वो उनके संख्या के अनुसार जो स्टेमेंस की संख्या वो भी हो सकती है, या तो टू होगी स्टेमेंस की संख्या या तो एज मेनी एज कोरोला। फिर आगे मोर देन टू कार्पेल्स होंगे, मोर देन टू चैम्बर्स होंगे, कार्पेल्स होंगे उसमें हेट्रोमेरी सीरीज में आने वाले प्लांट्स में। इट इंक्लूड थ्री ऑर्डर्स, और हेट्रोमेरी जो सीरीज है वो तीन ऑर्डर्स इंक्लूड करता है। फर्स्ट ऑर्डर है इरिकेल्स, सेकेंड इज द इबिनेल्स, थर्ड इज़ द प्रीम्यूलेल्स। देन हम थर्ड सीरीज पे आते हैं बाइकार्पेलेट। बाइकार्पेलेट सीरीज में जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? तो इनमें जो प्लांट्स हैं उसकी ओवरी फ्लावर्स, ओवरी क्या होगी? उसकी सुपीरियर, ठीक है, स्टेमेंस होंगे मेनी एज कोरोला। फिर यूजुअली टू कार्पेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, दो चैम्बर्स यूजुअली प्रेजेंट होंगे सामान्यतः। और इट इंक्लूड फोर ऑर्डर्स, बाइकार्पेलेट सीरीज में चार ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज द पहला कौन सा ऑर्डर है? तो जेंटिनेल्स, जेंटियनेल्स, सेकेंड इज द पर्सोनेल्स, थर्ड इज द पॉलीमोनियल्स, एंड फोर्थ इज द लैमियल्स। तो ये हो गया हमारा सीरीज, तीन सीरीज हो गए सब क्लास गैमोपेटली के। देन सब क्लास मोनोक्लेमाइडी जो है, मोनोक्लेमाइडी की बात करते हैं। तो सब क्लास जो मोनोक्लेमाइडी है वो डायरेक्ट एट सीरीज में डिवाइडेड है। हमने इससे पहले भी बात किया है एट सीरीज के बारे में मोनोक्लेमाइडी के। तो इसके एट सीरीज को हम स्टडी कर लेते हैं। एट सीरीज कौन कौन से हैं इसके, ये देखेंगे। फर्स्ट सीरीज जो है वो उसका नाम दिया हुआ है कर्विम्ब्रियई, सेकंड इज द मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटेसी, एंड थर्ड इज द मल्टी मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, फोर्थ इज द माइक्रोइम्ब्रियई, फिफ्थ इज द डेफनेल्स, सिक्स इज द एक्लिमाइडो स्पोरियई, एंड सेवन्थ इज द यूनिसेक्सुअल्स, एट्थ इज द ऑरिनीज एनोमिली। अब आठों सीरीज को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या है कर्विम्ब्रियई? क्या है इसका कैरेक्टर, क्या होगा इस सीरीज का? तो राउंडेड कर्व्ड इम्ब्रियो होगा, राउंड और कर्व्ड मुड़ा हुआ घुमा हुआ इम्ब्रियो होगा। इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्म होगा, वन ओव्यूल यूजुअली प्रेजेंट होगा उसमें। मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटेसी में क्या है कि एक्वेटिक प्लांट्स इस सीरीज में आएंगे विथ मेनी ओव्यूल्स, इनमें ओव्यूल्स ढेर सारे होंगे, ठीक है।
मल्टीओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस में क्या है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे विथ मेनी ओव्यूल्स, इसमें भी ओव्यूल्स ढेर सारे होंगे लेकिन प्लांट्स कौन से होंगे, टेरेस्ट्रियल। फिर माइक्रो इम्ब्रियाई सीरीज में क्या है कि वेरी स्मॉल इम्ब्रियो होगा इसमें, और विथ मच इंडोस्पर्म्स, इसमें इंडोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है मच। फिर फिफ्थ है डेफनेल्स सीरीज, यूजुअली यूनिकार्पेल, इसमें जो कार्पेल चैम्बर होगा वो एक होगा डेफनेल्स सीरीज में, यूजुअली यूनिकार्पेल ओवरी, ओवरी में सिंगल कार्पेल होगा, यूनिकार्पेल विथ सिंगल ओव्यूल, जिसमें ओव्यूल भी सिंगल ही होगा। फिर सिक्स्थ सीरीज है एक्लेमाइडो स्पोरेई, तो उसमें यूनिलोक्यूलर इन्फीरियर ओवरी, एक लोक्यूल वाला, एक चैम्बर वाला इन्फीरियर ओवरी होगा, और विथ 1 to 3 ओव्यूल्स, इसमें 1 से 3 ओव्यूल्स हो सकते हैं। फिर सेवन्थ सीरीज यूनिसेक्सुअल्स, फ्लावर्स, इसमें करेक्टर क्या है इसका कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल होंगे, इसमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। फिर एट्थ सीरीज जैसा कि आप जान रहे हैं ऑर्डिनिज एनोमिली है, ऑर्डिनिज एनोमिली का क्या करेक्टर है कि इन दिस सीरीज, ऑर्डिनिज एनोमिली सीरीज के पे हमने पहले भी कुछ बात किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, ऑर्डिनिज एनोमिली जो सीरीज है, इन दिस सीरीज द फैमिलीज ऑफ अनसर्टेन रिलेशनशिप वर प्लेस्ड। इस सीरीज में क्या किया गया है कि फैमिली जिनका अनसर्टेन अनिश्चित रिलेशनशिप है उनको प्लेस्ड कर दिया गया है बेंथम एंड हुकर्स के द्वारा। ये है, ये था हमारा सब क्लास, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी। देन ये डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन क्लास से हमने स्टडी किया था। फिर हम ये पहला ए हम स्टडी ए का ही स्टडी कर रहे थे डाइकोटिलेडन। फिर बी क्लास जो है फेनरोगेमिया डिवीज़न का, क्लास बी जो है जिम्नोस्पर्मेई, इसको देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्मेई क्लास को 3 फैमिलीज में डायरेक्ट बांट दिया गया है। फर्स्ट फैमिली कौन सी है, तो साइकेडेसी, सेकंड इज़ द कोनीफेरेई, थर्ड इज़ द जेनेटेसी। तो इस पर फिर डिटेल में स्टडी नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है डिवीज़न, इनको डिवाइड नहीं किया गया है। फिर आगे हम देखेंगे इनका थर्ड क्लास जो है फेनरोगेमिया का, वो है मोनोकोटलीडन्स, मोनोकोटलीडन्स जिसमें जिनको 7 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, 7 सीरीज़ में बांट दिया गया है। तो मोनोकोटलीडन्स को हम देख लेंगे 7 सीरीज़, इनका पहले नेमिंग को देखेंगे, फिर उनके कुछ पॉइंट्स को जो दिए हुए हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट सीरीज़ है माइक्रोस्पर्मी, सेकंड इज़ द एपीगाइनी, थर्ड इज़ द कोरोनेरई, फोर्थ इज़ द कैल्सिनई, फिफ्थ इज़ द न्यूडिफ्लोरी, सिक्स इज़ द एपोकार्पी एंड सेवन्थ इज़ द ग्लूमेसी। माइक्रोस्पर्मी जो सीरीज़ है उसमें कुछ करेक्टर दिए हुए हैं, जैसे देख सकते हैं आप ओवरी इन्फीरियर होगी माइक्रोस्पर्मी में विथ वेरी स्मॉल सीड्स, जिसमें सीड्स क्या होंगे बहुत ही छोटे छोटे। एपीगाइनी में ओवरी इन्फीरियर, इसमें भी ओवरी इन्फीरियर ही होगी विथ लार्ज सीड्स, लेकिन सीड्स लार्ज जाएंगे, ठीक है। थर्ड कोरोनरी, इसमें क्या है ओवरी सुपीरियर, यहाँ ओवरी सुपीरियर हो गई विथ पेटेलॉइड पेरियंथ, मीन्स जो पेरियंथ होगा वो पेटेलॉइड होगी, केवल पेटल्स ही होंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है कैल्सिनेई, कैल्सिनेई में क्या है कि ओवरी सुपीरियर होगी विथ सेपेलॉइड पेरियंथ, मीन्स इसमें जो पेरियंथ होगा उसमें केवल सेपल्स होंगे, केवल कैलिक्स होंगे, कोरोला नहीं होंगे, उन मतलब इनकी संख्या जो होगी सेपल्स की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है न्यूडिफ्लोरी, न्यूडिफ्लोरी ओवरी सुपीरियर विथ मोस्टली लैकिंग ऑफ पेरियंथ, न्यूडिफ्लोरी में क्या है कि ओवरी सुपीरियर होगी लेकिन इसमें पेरियंथ का ही अभाव होगा, पेरियंथ कैलिक्स और कोरोला का अभाव होगा, लैकिंग होगा। फिर सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ सीरीज जो है वो है एपोकार्पी, इसमें क्या होगा कार्पेल्स आर फ्री, कार्पेल्स जो होंगे वो फ्री होंगे, कार्पेल्स फ्री होंगे। सेवन्थ क्या है ग्लूमेसी, स्मॉल पेरियंथ होगा इसका, कर इसमें जो प्लांट्स होंगे उसमें पेरियंथ नहीं होंगे, स्मॉल होंगे, कैलिक्स और कोरोला लाइक स्केल्स और कैफी, स्केल्स या कैफी जैसे होंगे, मीन्स स्केल्स कांटे के जैसे या भूसीदार स्ट्रक्चर में होंगे, ये देख सकते हैं स्मॉल पेरियंथ लाइक स्केल और कैफी के जैसे होंगे। तो ये था जो हमारा टॉपिक छूट गया था पिछले वीडियो में, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट यहाँ पे हमने दिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं, ये रहे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स। तो सबसे पहले हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में से हम मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स को अलग अलग दोनों को दिया गया है, तो सबसे पहले हमने मेरिट्स को पढ़ लेते हैं, इनके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स, फर्स्ट मेरिट क्या है इनका,
फर्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्लांट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्लांट्स आर इन डिटेल एज वेल एज एक्यूरेट बिकॉज प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड आइदर फ्रॉम देयर एक्चुअल सैंपल और फ्रॉम प्रिजर्व्ड हर्बेरियम सीट। मीन्स इसमें इनके मेरिट में बताया गया है कि डिस्क्रिप्शन जो प्रत्येक प्लांट्स का है वो बहुत ही डिटेल में है, ठीक है, और सही एक्यूरेट है एकदम। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि ये जब जहाँ से डिस्क्राइब किया गया है वो या तो इसका एक्चुअल सैंपल है, एक्चुअल सैंपल से इसको डिस्क्राइब किया गया है, या प्रिजर्व्ड हर्बेरियम सीड से डिस्क्राइब किया गया है इनको, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस सिस्टम इज़ हाईली प्रैक्टिकल एंड ईजी टू यूज़ फॉर स्टूडेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़। मानिए ये जो सिस्टम है ये हाईली प्रैक्टिकल है, इसमें सारे मतलब इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किया जा चुका है, जिससे कि स्टूडेंट्स को यूज़ करने के लिए ये आसान है और आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से किसी भी स्पीसीज़ को। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि द जेनरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट आर कंप्लीट एंड बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो जेनरिक जो डिस्क्रिप्शन है प्लांट्स का वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है, एंड बेस्ड किस पे है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस पे, जो दिखाई दिया ऑब्जर्व हुआ उनका उसी को डिस्क्राइब किया इन्होंने। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि द ऑर्डर रोनेल्स, सॉरी रेनेल्स, जो ऑर्डर है ऑर्डर रेनेल्स यूनिवर्सली कंसीडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमिटिव ड्यू टू इट्स प्लेसिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ डाइकॉट। जैसा कि आपने अभी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो ऑर्डर था वो था रेनेल्स, तो ये यूनिवर्सली कंसिडर किया गया कि ये बहुत ही प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में प्लेस किया गया था डाइकॉट में। ऑर्डर रोनेल्स क्या फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट फिर से देख लेते हैं क्या है कि फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ऑर्डर जो रोनेल्स है उसे यूनिवर्सली माना गया है प्रिमिटिव, कि वो पुराना ऑर्डर है क्योंकि उसे सबसे पहले ऑर्डर्स में सबसे पहला ऑर्डर है रेनेल्स ऑर्डर भी सबसे पहला डाइकॉट में स्टार्टिंग में लिखा गया है, तो इसलिए उसे प्रिमिटिव माना गया है। फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि आफ्टर डाइकॉट प्लेसिंग ऑफ मोनोकॉट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल वन। मीन्स डाइकॉट के बाद मोनोकॉट को रखना ये भी एक नेचुरल प्राकृतिक एक पॉइंट है दिया गया है, जो कि मतलब कि बेंथम एंड हुकर्स के द्वारा सबसे पहले डाइकॉट को प्लेस किया गया है, बाद में मोनोकॉट को। अभी आपने क्लासिफिकेशन में देखा होगा कि डाइकॉट पहले आया फिर मोनोकॉट आया, ये भी नेचुरल वन था। तो ये इनके मेरिट्स हैं। और सिक्स्थ पॉइंट जो मेरिट का है वो क्या है, द सीरीज डेसी फ्लोरी, सीरीज डेसी फ्लोरी जो है वो प्लेस्ड किया गया है बिटवीन थैलमी फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी। आपने अभी देखा होगा कि जो सीरीज हमने स्टार्ट किया डेसी फ्लोरी, वो थैलमी फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी, ये कौन सी सीरीज़ की बात की जाए तो फर्स्ट सब क्लास जो पॉलीपेटली था डाइकोटिलीडन में जो तीन सब क्लास थे ना, पॉलीपेटली डेसी फ्लोरी सॉरी तीन सब क्लास थे पॉलीपेटली गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, इसमें से पॉलीपेटली सब क्लास में तीन सीरीज थी, तो उन्हीं सीरीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। सीरीज डेसी फ्लोरी प्लेस्ड बिटवीन थैलमी फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी इज ऑल्सो नेचुरली, ये भी प्राकृतिक ही है। डेसी फ्लोरी को बीच में रखा गया है थैलमी फ्लोरी सीरीज और कैल्सी फ्लोरी सीरीज के बीच में। सेवन्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि द प्लेसिंग ऑफ गैमोपेटली आफ्टर पॉलीपेटली इज ड्यू टू एन एडवांस्ड कैरेक्टर ऑफ यूनियन ऑफ पेटल्स ओवर द फ्री पेटल्स। माने गैमोपेटली को प्लेस किया गया है आफ्टर पॉलीपेटली, गैमोपेटली को प्लेस किया गया है आफ्टर पॉलीपेटली, जिसमें गैमोपेटली का क्या मतलब है कि पेटल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, और पॉलीपेटली मीन्स क्या है कि पेटल्स जो होंगे वो फ्री होंगे। तो गैमोपेटली का प्लेसिंग 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 ऑफ गैमोपेटली आफ्टर पॉलीपेटली, पॉलीपेटली पहले आया जिसमें क्या थे तो फ्लावर्स जो पेटल्स पेटल्स जो थे वो क्या थे, फ्री थे, पहले फ्री हुआ करते थे, फिर क्या है उसके बाद आया गैमोपेटली जिसमें फ्लावर्स फ्यूज आने लगे। ये किस वजह से आया, तो एडवांस्ड कैरेक्टर की वजह से आया, यूनियन ऑफ पेटल्स, पेटल्स क्या होने लगे, जुड़ने लगे ओवर द फ्री पेटल्स, फ्री पेटल्स के ऊपर यूनियन ऑफ पेटल्स का प्रभाव पड़ा। ये सेवन पॉइंट्स कुछ हैं किसके, मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स के। अब हम कुछ देख लेते हैं इनके डीमेरिट्स को देख लेते हैं, द डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर्स। डीमेरिट्स में
भी कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें क्या है कि बिटवीन द डाईकॉट एंड मोनोकॉट कीपिंग ऑफ जिम्नोस्पर्मीज एंड एनोमेलोस, ये ऑड है। क्या है कि मतलब ये समझ में नहीं आता कि डाईकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को क्यों रखा गया, ये सही नहीं है। ये इसका डीमेरिट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है कि सब क्लास मोनोक्लेमाइडी इज़ फुल्ली आर्टिफिशियल। मोनोक्लेमाइडी सब क्लास की बात करें, मोनोक्लेमाइडी कौन सी क्लास थी, तो डाईकॉट की जो डाईकॉट की थर्ड सब क्लास थी जिसमें 8 सीरीज को लिया गया था। तो ये सब क्लास जो है पूरा का पूरा आर्टिफिशियली बनाया गया है, दिस इज द डीमेरिट। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्लेसिंग ऑफ सब क्लास मोनोक्लेमाइडी आफ्टर गैमोपेटली इज़ नॉट सीम टू बी नेचुरल। ये प्राकृतिक नहीं माना जाता कि मोनो किस चीज़ को प्राकृतिक नहीं माना जाता कि गैमोपेटली के बाद मोनोक्लेमाइडी को रखा गया है, ये नेचुरल नहीं समझ में आता। फोर्थ पॉइंट क्या है कि सम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंट, मतलब कि कुछ मतलब कि ऐसे स्पीसीज जिन जिनमें बहुत ही क्लोजली संबंध है, रिलेशन है, उनको दूर पे रखा गया है इसमें। वॉइल डिस्टेंट स्पीसीज आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। लेकिन इसके अलावा क्या है कि जो ऐसी स्पीसीज जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उन स्पीसीज़ को एक जगह रखा गया है, ये भी क्या है इनका डीमेरिट है। मीन्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को डिस्टेंट रखा गया, दूर रखा गया है, और जो डिस्टेंट स्पीसीज हैं जिनका जिन स्पीसीज का रिलेशन नहीं है, उनको क्लोज एक दूसरे के क्लोजर रखा गया है, ये भी एक इनका डिमेरिट है फोर्थ पॉइंट में। और फिफ्थ पॉइंट देख लेंगे क्या है कि सर्टेन फैमिलीज ऑफ सब क्लास मोनोक्लेमाइडी आर क्लोजली रिलेटेड टू फैमिलीज ऑफ सब क्लास पॉलीपेटली। मीन्स अगर मोनोक्लेमाइडी की जो फैमिलीज़ हैं, सर्टेन फैमिलीज ऑफ सब क्लास मोनोक्लेमाइडी वो क्या है क्लोजली रिलेटेड होंगे फैमिली ऑफ सब क्लास पॉलीपेटली से, इनकी फैमिलीज में इंटर करेंगे तो मालूम चलेगा ये, ठीक है। फिर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि एग्जांपल है चिनोपोडियेसी एंड कैरियोफाइलेसी, इनमें रिलेशंस हैं। सिक्स पॉइंट क्या है कि फैमिली लिलिएसी एंड अमेरिलिडेसी वर कैप्ट अपार्ट, इनको अलग अलग रखा गया इन दो फैमिलीज को, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ये सिक्स पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ ओवरी, मीन्स ओवरी के कैरेक्टर के आधार पे केवल इनको अलग अलग रख दिया गया, लिलिएसी और अमेरिलिडेसी को, वॉइल दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, जबकि ये दोनों फैमिलीज में रिलेशन जो है वो बहुत ही घनिष्ठ है, संबंध है इनका, क्लोजली रिलेटेड है। फिर ये थे मेरिट एंड डीमेरिट बेंथम एंड हुकर्स का। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के अलावा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे, जिसमें मेनली जॉन हचिंगसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का हम अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं पॉल फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देख सकते होंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि सम बॉटनिस्ट, कुछ जो बॉटनिस्ट्स हैं, हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, उनका नाम दिया गया, नेम्ड एज, क्या क्या नाम है, तो एडोल्फ इंग्लर 1884 टू 1930। एडोल्फ इंग्लर के साथ एक और जो बॉटनिस्ट हैं वो हैं, वो कौन है, तो कार्ल ए ई प्रांटल। सेकेंड पॉइंट है जॉन हचिंगसन 1884 टू 1972। थर्ड इज़ द तकताजन एंड फोर्थ इज़ द क्रॉनक्विस्ट। इन सारे बॉटनिस्ट्स में से हम मेनली स्टडी करने वाले हैं जॉन हचिंगसन के क्लासिफिकेशन सिस्टम की। आगे देखते हैं क्या है कि एडोल्फ इंग्लर एंड कार्ल, फर्स्ट पॉइंट नीचे दिया हुआ है ब्लैक पेन से लिखा गया है, एडोल्फ इंग्लर एंड कार्ल प्लांटर, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि द टू जर्मन बॉटनिस्ट पब्लिश्ड ए बुक, कौन सी बुक इन्होंने पब्लिश की थी, तो डाई नेचर लाइक एन फ्लैंजन फैमिलियन इन 1887 टू 1899 इन 20 वॉल्यूम। इस ये बुक जो है उन्होंने 20 वॉल्यूम में पब्लिश की थी,
और इन फिर आगे देखेंगे कि विच इस बुक में दे क्लासिफाइड द प्लांट्स, इन्होंने क्लासिफाइड किया था प्लांट्स को, प्लांट्स को ऑफ द, प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार के प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था इस बुक में, फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, एल्गीज से लेके एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स तक सबको क्लासिफाई कर दिया था, और अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार, द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम इज दैट प्लेस्ड मोनोकोटिलेडन्स बिफोर डाइकोटिलेडन्स। जो मेन मुख्य फीचर जो है इनका क्लासिफिकेशन का, एंगुलर और प्रांटल की क्लासिफिकेशन का जो मेन करेक्ट फीचर जो है वो ये है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकोटिलेडन्स को पहले रखा है और डाइकोटिलेडन्स को बाद में रखा है अपने क्लासिफिकेशन में, ये इनका मेन फीचर है। जबकि अभी हमने स्टडी किया बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें पहले डाइकॉट आया था बाद में मोनोकॉट, ठीक है। फिर आगे पॉइंट जैसा कि हमने बताया था कि जॉन हचिंगसन, मेनली हम जॉन हचिंगसन पे बात करेंगे, तो जॉन हचिंगसन का करेक्टर मतलब क्या उनके बारे में और कुछ उनके प्रिंसिपल्स, फिर क्लासिफिकेशन को हम अभी स्टडी करेंगे। जॉन हचिंगसन क्या दिया हुआ आगे देखेंगे कि 1884 टू 1972 ए ब्रिटिश बॉटनिस्ट ऑल्सो फ्रॉम द रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, ये भी रॉयल बॉटनिकल गार्डन से ही अपने क्लासिफिकेशन को दिए थे, इंग्लैंड पब्लिश्ड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन हिज बुक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन टू वॉल्यूम बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर्स। मीन्स ये भी, ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे और रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड से ही इन्होंने भी पब्लिश किया था अपनी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपनी बुक में, जिसका नाम था द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि दो वॉल्यूम इन्होंने दिया था, और इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बेंथम एंड हुकर्स के क्लासिफिकेशन पे आधारित था जॉन हचिंगसन का। फिर क्या है आगे दिया हुआ है कि फॉर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए ही फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर अडॉप्टेड, मीन्स टेकन लिया गया है हचिंगसन के द्वारा, कुछ प्रिंसिपल्स को लिया गया है। क्या है वो प्रिंसिपल्स, तो आइए देखते हैं कुछ 12 प्रिंसिपल्स, सॉरी 12 भी, कुछ 11 प्रिंसिपल्स होंगे। देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स में करके दिया हुआ है इनके प्रिंसिपल्स को। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल को देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है क्या कि एट दैट टाइम इन सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इवोल्यूशन अकर वॉल इन अनदर स्टॉप्ड और नॉट टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। मीन्स जॉन हचिंगसन अपने उस समय की बात करें जब भी क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि प्लांट्स कुछ प्लांट्स के पार्ट जो हैं वो उनमें इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनमें इवोल्यूशन या तो रुक गया था और या तो हो ही नहीं रहा था एक ही समय पे। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है इन्होंने वो एक ही समय का है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएंगे जो कि राइट साइड में दिया हुआ है, क्या है कि ट्रीज एंड श्रब्स आर प्रोबेबली मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स इन सर्टन ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स में इन्होंने क्या, किसको क्या बताया है कि ट्रीज और श्रब्स मीन्स पेड़ और झाड़ को संभवतः पुराना प्रिमिटिव बताया है हर्ब्स से, कि शाक जो है वो नए हैं, कुछ ग्रुप्स में इन्होंने बताया। फिर थर्ड पॉइंट लेफ्ट में देखेंगे, थर्ड पॉइंट द क्लाइंबर आर मोर रिसेंट देन ट्रीज एंड श्रब्स, मीन्स क्लाइंबर प्लांट्स जो चढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे चढ़ जाएंगे या किसी भी चीज़ पे, तो वो प्लांट्स क्लाइंबर्स जो जिनको क्या बताया गया, रिसेंट बताया गया कि वो फिलहाल में उनकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुए हैं ट्रीज और श्रब्स से के कंपैरिजन में। फिर फोर्थ पॉइंट राइट साइड में देखेंगे, पेरिनियल आर ओल्डर देन बाइनियल एंड एनुअल डेराइव्ड फ्रॉम बाइनियल। पेरिनियल्स जो हैं, पेरिनियल्स 12 माही जिन्हें कहा जाता है, वो ओल्डर हैं किससे, बाइनियल से। और क्या है फिर आगे क्या दिया कि एनुअल डेराइव्ड फ्रॉम बाइनियल और उसी बाइनियल से ही एनुअल, एनुअल मीन्स क्या है, वर्ष में एक बार ऐसे पौधे जो वर्ष में एक बार फ्लावरिंग करते हैं या फ्रूटिंग करते हैं वो बाइनियल्स से डिराइव हुए हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया है कि एज रूल, जैसे कि रूल 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 में है, द फ्लावरिंग एक्वेटिक प्लांट्स आर मोर रिसेंट देन टेरेस्ट्रियल, मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू हचिंगसन वो क्या है, वो पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं, लेकिन फ्लावरिंग एक्वेटिक प्लांट्स जल में पाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो रीसेंट हैं, ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट में बताया गया है कि द प्लांट्स विथ कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स, ऐसे प्लांट्स
इनमें को लेटरल वेस्कुलर बंडल्स होता है, अरेंज्ड होते हैं इन्हें सिलेंडर एक बेलनाकार स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। ये डाइकोटिलेडन्स का करेक्टर है, आर मोर प्रिमिटिव। ये जो करेक्टर है डाइकोटिलेडन्स में, ये मोर बहुत प्रिमिटिव है, पुराना है। किससे पुराना है? देन दैट विथ स्कैटर्ड बंडल्स, जो मोनोकोटिलेडन्स में पाया जाता है, कि स्कैटर्ड बंडल्स जो है वो रीसेंट है। फिर क्या है, सेवन्थ पॉइंट जो है वो रॉन्ग है, ये इसको काट दिया गया है। एट्थ पॉइंट हम देखेंगे क्या है, कि एट्थ पॉइंट में दिया है कि फर्स्ट सेक्सुअल, सॉरी फर्स्ट बाईसेक्सुअल देन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले कि कौन से फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ सेक्स के आधार पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है कि फर्स्ट बाईसेक्सुअल, ऐसे प्लांट्स जिनमें जो बाईसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स सबसे पहले ओरिजिनेट हुए, फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए। फिर नाइन्थ पॉइंट क्या है, सॉलिटरी। नाइन्थ पॉइंट देखेंगे हम कि सॉलिटरी फ्लावर्स, फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव। ऐसे फ्लावर्स जो सॉलिटरी हैं, ऐसे फ्लावर्स जो क्या हैं, तो ऐसे फ्लावर्स जो सॉलिटरी हैं वो मोर प्रिमिटिव हैं इनफ्लोरेसेंस के कंपैरिजन में, इनफ्लोरेसेंस के कंपैरिजन में मोर प्रिमिटिव हैं। फिर क्या है, हाँ इन्फ्लोरेसेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा, तो सॉलिटरी, ऐसा सॉलिटरी फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस को समझ लेते हैं। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, सॉलिटरी इन सॉलिटरी फ्लावर्स को हम अगर डिफाइन करें तो वो फ्लावर जो होगा वो सिंगल होगा, ठीक है, और ऐसे फ्लावर्स में पेडियंकल और पेडिकल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, पेडियंकल और पेडिकल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जबकि इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। माने जो डेवलपमेंट का तरीका होता है, मोड होता है, जिस भी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा हो, और अरेंजमेंट जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, फ्लावर्स कैसे अरेंज हो रहे हैं एक्सिस पे, अक्ष पे, उसको ही इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस में कुछ करेक्टर्स, सॉरी कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ नाम दिए गए हैं जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, कौन कौन से। तो द प्राइमरी स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज पेडुंकल। इन्फ्लोरेसेंस जब बनेगा तो उसमें जो प्राइमरी स्टॉक होगा, जो मेन स्टॉक, प्राइमरी स्टॉक होगा, उसे हम पेडुंकल बोलते हैं। द स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर आर कॉल्ड पेडिकल। और उस पेडुंकल से निकले हुए जो इंडिविजुअल फ्लावर्स होंगे, वो जिससे लगे हुए होंगे, उस स्टॉक को हम पेडिकल्स बोलते हैं। फिर फ्लावर्स विद पेडिकल्स इज नोन एज पेडिसिलेट। और ऐसे फ्लावर्स जो पेडिकल्स के साथ होते हैं उन्हें पेडिसिलेट बोलते हैं, और जो विदाउट पेडिकल्स होते हैं फ्लावर्स उन्हें ससाइल बोलते हैं, मीन्स उनमें डंठल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये करेक्टर हो गया इन्फ्लोरेसेंस का, और सॉलिटरी का करेक्टर बता दिया गया। इन्फ्लोरेसेंस में क्या है कि ढेर सारे फ्लावर्स एक पेडुंकल पे प्रेजेंट होंगे, जबकि सॉलिटरी में सिंगल फ्लावर होता है प्रेजेंट। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि सॉलिटरी फ्लावर जो है, सिंगल फ्लावर जिसमें आएंगे, वो प्रिमिटिव है, मोर प्रिमिटिव है इन्फ्लोरेसेंस से। अब इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं, रीसेंट है ये, ठीक। फिर क्या है, अब हम बात करेंगे 10th पॉइंट जो है, फर्स्ट 10th पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पिटेलीफेरोस देन एपीपेटलस फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। पहले कैसे फ्लावर्स आए, तो पिटेलीफेरोस मीन्स पेटल वाले, ऐसे फ्लावर्स जिनमें पेटल्स हों, ठीक है, वो पहले आए, और ऐसे फ्लावर्स जिनमें पेटल्स हैं ही नहीं वो बाद में प्रोड्यूस्ड हुए। फिर आगे क्या दिया है कि एंड पॉलीपेटली इज प्रिमिटिव देन गैमोपेटली। फिर क्या बताया कि पॉलीपेटली मीन्स ऐसे फ्लावर्स जिनमें पेटल्स फ्री हैं वो क्या है, प्रिमिटिव है, बहुत पुराना है। जिसमें पुराने प्लांट्स में क्या था, फ्लावर्स में, कि पेटल्स फ्री रहते थे, लेकिन रीसेंट क्या है कि गैमोपेटली मीन्स पेटल्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, गैमोपेटली। ये 10th पॉइंट है कि फिर 11th पॉइंट है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव देन जाइगोमॉर्फिक। फिर आगे क्या दिया कि एंड हाइपोगाइनस कंडीशन इज प्रिमिटिव देन पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक ये फ्लावर्स में ही करेक्टर है, तो एक्टिनोमॉर्फिक उसमें से क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, जबकि जाइगोमॉर्फिक से, ठीक। फिर क्या दिया कि हाइपोगाइनस कंडीशन प्रिमिटिव है
पेरिगाइनस और एपिगाइनस से। 12th पॉइंट क्या दिया है कि द प्लांट्स विथ इंडोस्पर्मिक सीड एंड स्मॉल इम्ब्रियो, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें इंडोस्पर्म्स वाले सीड हो, इंडोस्पर्मिक सीड और इम्ब्रियो स्मॉल हो, ठीक है, वो डेवलप्ड हुए हैं बिफोर, वो उनकी उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुकी है, देन किससे, मीन्स जो रीसेंट हैं वो कौन से हैं, तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड प्लांट्स जो हैं वो रीसेंट हैं, ऐसे सीड प्लांट्स जिनमें इंडोस्पर्म नहीं होता, नॉन इंडोस्पर्मिक। फिर इसमें दिया हुआ है कि द नंबर नंबर ऑफ स्टैमेंस द नंबर ऑफ स्टैम इज मेनी, मीन्स जो प्रिमिटिव फ्लावर्स हैं, पुराने फ्लावर्स, पहले के फ्लावर्स जो थे उनमें जो स्टैमेंस की संख्या है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, वॉयल, जबकि फ्यू इन एडवांस्ड फ्लावर। लेकिन अगर एडवांस फ्लावर में देखें तो वही जो स्टेमेंस का नंबर है, संख्या है स्टेमेंस की, वो फ्यू हो गई, कम हो गई है, सम लेस हो गई है। तो ये था कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनके बेस पे जॉन हचिंगसन ने क्लासिफिकेशन को दिया है। तो अब उनके क्लासिफिकेशन को हम चार्ट के थ्रू देखेंगे, स्मॉल चार्ट है, फिर उसके बाद लार्ज चार्ट एक बनाया है उसको देखेंगे। इस चार्ट के थ्रू पहले क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे फाइलम दिखाई दे रहा होगा आपको। अकॉर्डिंग टू हचिंगसन, फिर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आगे दिया है फाइलम। फाइलम क्या है इसका, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी फाइलम है। फाइलम एंजियोस्पर्मी को दो सब फाइलम में बांट दिया गया है। फर्स्ट सब फाइलम है डाइकोटिलेडन, सेकंड इज द मोनोकोटिलेडन। जो पहला सब फाइलम है डाइकोटिलेडन, उसको डिवाइड किया गया दो डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन इज द लिग्नोसी एंड सेकंड इज द हर्बेसी। फिर लिग्नोसी के कैरेक्टर को देख लेते हैं, क्या है कि लिग्नोसी में वुडी ग्रुप है, इट इज़ द वुडी ग्रुप, ग्रुप जो है वो क्या है, वो वुडी है। वुडी ग्रुप इंक्लूड्स ट्री, श्रब्स, रेयरली हर्ब्स। इस ग्रुप में, लिग्नोसी डिवीजन में क्या होगा कि जो प्लांट्स होंगे वो वुडी होंगे, ट्रीज हो सकते हैं, श्रब झाड़ हो सकते हैं, लेकिन रेयरली दुर्लभ स्थिति में ही हर्ब्स होंगे, शाक होंगे। ये 54 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है डिवीजन लिग्नोसी। फिर डिवीजन की बात करते हैं हम, कौन सी, तो डिवीजन सेकंड डिवीजन ऑफ डाइकोटिलेडन्स ऑफ फाइलम हर्बेसी है। इट इंक्लूड्स हर्बेसियस ग्रुप, ये हर्बेसियस ग्रुप है, शाकीय पौधों को इंक्लूड करता है। रेयरली श्रब्स, दुर्लभ स्थिति में ही इसमें श्रब्स होंगे, झाड़ होंगे। 28 ऑर्डर्स को हर्बेसी डिवीजन इंक्लूड करता है। फिर हम देखेंगे आगे, आगे क्या है कि मोनोकोटिलेडन्स की को देखेंगे, सब फाइलम मोनोकोटिलेडन, ये इंक्लूड करता है लगभग तीन डिवीजन्स को, थ्री डिवीजन्स इंक्लूड करता है। फर्स्ट डिवीजन है इसका कैल्सीफेरी, सेकंड इज़ द कोरोलीफेरी एंड थर्ड इज़ द ग्लूमी फ्लोरी। ग्लूमी फ्लोरी, फर्स्ट डिवीजन कैल्सीफेरी क्या है, ये 12 ऑर्डर्स इंक्लूड करता है। सेकंड ऑर्डर कोरोलीफेरी क्या है, 14 ऑर्डर्स इंक्लूड करता है। एंड थर्ड जो ग्लूमी फ्लोरी है, ये 3 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है। तो ये था हमारा स्मॉल चार्ट। अब इसी के बाद हम कुछ चार्ट्स को देख लेते हैं। कुछ चार्ट्स के साथ साथ क्या है, कुछ ऑर्डर्स को भी दिखाया गया है, उन ऑर्डर्स को भी देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ हचिंगसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें फाइलम एंजियोस्पर्म होगा है, और दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ये सब आपने पहले के चार्ट में भी देखा है, स्मॉल चार्ट में दो सब फाइलम में डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन सब फाइलम को दो डिवीजन में बांटा गया है, लिग्नोसी और हर्बेसी। हर्बेसी के कैरेक्टर्स और लिग्नोसी के कैरेक्टर्स, दोनों के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। लिग्नोसी 54 ऑर्डर्स में डिवाइड इंक्लूड किया हुआ है और हर्बेसी 28। उसी प्रकार से मोनोकोटिलेडन सब फाइलम तीन डिवीजन में बटा हुआ है, कैल्सीफेरी, कोरोलीफेरी और ब्लूमी फ्लोरी। तो कैल्सीफेरी में क्या था कि ये इंक्लूड करता है 12 ऑर्डर को डिवीज़न, कोरोलीफेरी 14 ऑर्डर को इंक्लूड किया था, और ग्लूमी फ्लोरी डिवीज़न जो है वो 3 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया हुआ है, ऐसा आप चार्ट में देख सकते हैं। तो इनके कुछ ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है, वही ऑर्डर्स यहाँ देख लेते हैं कुछ, मतलब 58 ऑर्डर्स। जैसे कि लिग्नोसी, अगर डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न लिग्नोसी की बात करें, तो इसमें 54 ऑर्डर्स हैं। आगे आपको पूरे के पूरे ऑर्डर्स को एक चार्ट में दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जो मेनली हमने स्टडी किया है उन ऑर्डर्स को, चूंकि ये इजीली लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, इसलिए इनको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ 10 ऑर्डर्स दिए हुए हैं किसमें, लिग्नोसी डिवीज़न में। तो फर्स्ट जो ऑर्डर है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द मैग्नोलियल्स, सेकंड इज़ द रोजेल्स,
थर्ड लिग्यूमिनल्स, फोर्थ ककरविटेल्स, फिफ्थ मालवेल्स, सिक्स्थ यूफोरबियल्स, सेवेंथ मायोटेल्स, एट्थ रूटेल्स, नाइन्थ एपोसाइनेल्स एंड टेंथ रूबियल्स। ये लिग्नोसी लिग्नोसी डिवीज़न में कुछ 10 ऑर्डर्स हो गए। फिर हम हरबेसी हरबेसी डिवीज़न की बात करेंगे, ये इंक्लूड करता है 28 ऑर्डर्स, आप देख सकते हैं। और इसमें भी कुछ 8 ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया, यहाँ दिया गया है, नाम दिया गया उनका। फर्स्ट ऑर्डर है रेनेल्स, सेकंड है ब्रेसियल्स, थर्ड इज़ द चिनोपोडियल्स, फोर्थ इज द अम्बेलेल्स, फिफ्थ एस्टरेल्स, सिक्स्थ सोलेनेल्स, सेवेंथ पर्सोनेल्स, एट्थ लैमियल्स। ये हो गया हमारा डिवीज़न हरबेसी भी। फिर हम अपने सब फाइलम मोनोकोटलीडन के 3 डिवीज़न्स जो डिवाइड हुए हैं यहाँ पे, कैल्सीफेरी, प्रोलीफेरी और ग्लूमी फ्लोरी जो है, इनमें इनको देखते हैं क्या है। इसमें कैल्सीफेरी में 12 ऑर्डर इंक्लूड किया था, जिसमें से 12 में से 3 को यहाँ लिया गया है, ब्यूटोमेल्स, सेकंड इज़ द नाजालेल्स, थर्ड इज़ द ब्रोमिलियल्स। फिर कोरोली कोरोलीफेरी में 14 ऑर्डर्स इंक्लूड किया है डिवीज़न, ये इसको इसमें से 3 को लिखा गया, यहाँ पे दिया गया है लिलियल्स, सेकंड इज़ द पाल्मेल्स, थर्ड इज़ द ऑर्चिडेल्स। फिर आगे थर्ड डिवीज़न ग्लूमी फ्लोरी, 3 ऑर्डर इंक्लूड किया हुआ, इसके 3 ऑर्डर्स को यहाँ नोट किया गया है। फर्स्ट इज़ द जुनकेल्स, सेकंड साइपरेल्स एंड थर्ड इज़ द ग्रेमिनेल्स। ये तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय हचिंगसन, ठीक है। अब हम इनके पूरे, मतलब कि कुछ ऑर्डर्स को ही दिया गया था, तो इनके पूरे पूरे ऑर्डर्स को यहाँ क्लासिफाई हम आपको दिखा देते हैं, पूरे ऑर्डर्स को। आपको अगर लर्न करना हो तो पूरे ऑर्डर्स को देख सकते हैं। यहाँ डाइकोटिलेडन के डिवीज़न फर्स्ट लिग्नोसी, लिग्नोसी जो डिवीज़न है, लिग्नोसी डिवीज़न के कुछ 50 पूरे के पूरे 54 ऑर्डर्स को यहाँ दिया गया। ये 1 to 7 यहाँ है, देन दीज 8, 9, ये पूरे के पूरे दिए हुए हैं। एट जैसे है क्यूनोनियल्स, तो इस तरीके से 8 to पूरे 54 दिए होंगे यहाँ पे। 28 है, 28 लोजेल्स, फिर देख सकते हैं 33 मालवेल्स है, फिर 38 एरिकेल्स, फिर 42 है ओलेकेल्स। इस तरीके से करते हुए पूरा ये 54 ऑर्डर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये 53 ऑर्डर हो गया। फिर यहाँ देखेंगे ये 54 ऑर्डर जो है वर्बेनेल्स दिया हुआ है। फिर सेकंड जो डिवीज़न था हरबेसी, उसके उसमें वो भी 28 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया था, तो कुछ 8 ऑर्डर्स को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था। ये पूरे उसके जो बचे हुए 20 ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे 22 ऑर्डर्स होंगे वो दिए हुए हैं। 20 ऑर्डर्स, ये 55 से स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे नंबरिंग वही रखी गई है, लेकिन ऑर्डर्स की संख्या आप यहाँ से गिन सकते हैं। रेनेल्स है पहला ऑर्डर, यहाँ देख सकते हैं हरबेसी में रेनेल्स हैं, इससे स्टार्ट हुआ है। फिर 72 देखेंगे अम्बेलेल्स, 77 सोलेनेल्स एंड 82 लास्ट इज़ द लैमियल्स। ये था हमारा हरबेसी हरबेसी डिवीज़न के कुछ 28 ऑर्डर्स। फिर जो आगे आएंगे, अगर हम मोनोकोटलीडन्स में जो 3 डिवीज़न थे, कैल्सीफेरी देख सकते हैं, डिवीज़न फर्स्ट है, ये इंक्लूड किया था 12 ऑर्डर्स को, तो इसके भी ऑर्डर्स यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर है इसका ब्यूटोमेल्स, और इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ब्यूटोमेल्स से स्टार्ट हुआ और ये लास्ट यहाँ 94 तक आया है, जिंजीबेरेल्स, ठीक है। फिर डिवीज़न हम बात करेंगे कोरोलीफेरी की। कोरोलीफेरी डिवीज़न में क्या है कि ऑर्डर ये इंक्लूड किया है 14 ऑर्डर्स को, जो कि स्टार्ट है लिलियल्स से और इसका लास्ट है लिलियल्स से स्टार्ट है और लास्ट ऑर्डर है इसका 108 पॉइंट पे दिया हुआ है ऑर्चिडेल्स। फिर हम बात करेंगे डिवीज़न ग्लूमी फ्लोरी के। ग्लूमी फ्लोरी डिवीज़न, इसमें 3 डिवीज़न्स हैं, सॉरी 3 ऑर्डर्स थे, तीनों का नाम दिया गया था, जुनकेल्स, साइपरेल्स और ग्रेमिनेल्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्लियर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने स्टार्टिंग से स्टडी किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने कुछ बॉटनिस्ट के को स्टडी किया था, जैसे डियोफ्रेस्टस, पेडोनियन, एंड्रियास एजलपिनो, जॉहन रे, और उसमें लास्ट जो जो थे वो बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट हैं, कार्लस लिनियस।
जो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी जाने जाते हैं, और दियोफ्रेस्टस जिनकी हमने बात की वो फादर ऑफ बॉटनी है। तो ऐसे कुछ बॉटनिस्ट की हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी किए, जो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको उसका। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमने स्टडी किया एक वीडियो में, इसमें हमने कुछ बॉटनिस्ट जैसे एंटोनी लॉरेंट डी जैसे के बारे में पढ़ा, ऑगस्टिन पैरामेडी कैंडोले जिनकी बुक थ्योरी एलिमेंटेरिया डे ला बॉटनिक्यू थी। तो डी कैंडोले सिस्टम का भी क्लासिफिकेशन विद चार्ट दिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, उसको देख सकते हैं आप। फिर इसी में मीन्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ही बेंथम एंड लुकस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा बेंथम एंड लुकस के बारे में बताया गया है कि वो कैसे कैसे मतलब कहाँ से उनका जो क्लासिफिकेशन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा आपको बता दीजिए कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से ही उनकी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने भी वहीं से दिया था। फिर उनके कुछ सैलियंट फीचर्स दिए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में ही बेंथम एंड लुकस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के सैलियंट फीचर के साथ साथ उनका। फिर इस वीडियो से हमने जो स्टार्ट किया वो था उनका बेंथम एंड लुकस का क्लासिफिकेशन विथ चार्ट। फिर उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को हमने देखा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन दिखा जिसमें जॉन हचिंसन को मेनली हमने स्टडी किया। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।